है गाइस, व्हाट्स अप। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेटीएम में मोबाइल नंबर को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, वो भी न्यू मोबाइल नंबर को। तो गाइस, आज के टाइम में अगर देखें तो पेटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है हमारे लिए, डेली यूजर्स के लिए, जिसमें हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करने में, मोबाइल रिचार्ज करने में, कुछ पेमेंट करने में काफ़ी हमें ईजीएस्ट वे लगता है, राइट। तो ऐसे में इसको सेफ रखना, इसकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर का अपडेट होना और मोबाइल नंबर का एक्टिव होना हमारे लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस समय क्या, जब हमें मोबाइल नंबर के एक्चुअल में चेंज करने की इसमें ज़रूरत पड़े, तो किस तरीके से चेंज करें, तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप पेटीएम में अपना मोबाइल नंबर, न्यू मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं अगर आपका ओल्ड मोबाइल नंबर कहीं पर लॉस्ट या घूम जाए। तो लॉस्ट नहीं, यानी कि अगर आपको मोबाइल नंबर से दूसरा मोबाइल नंबर अगर कहीं पे जो आप यूज़ नहीं करना चाहते, न्यू मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो आप इजीली अपडेट कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे दो स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पेटीएम को अपडेट करना होगा, और ये टिप्स आपको 2019 इवन 2020 दोनों में आपको ये वर्क करेगा, करता है। तो सबसे पहले पेटीएम में आपको अपडेट, लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने के बाद आपको यूआई ऐसा दिखेगा, देन आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना है। और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे नाम एंड मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल पे, उस पर टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे, आपको स्क्रॉल डाउन नहीं करना है, ऊपर टॉप में राइट साइड में अपडेट फ़ोन नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल का पूरा ऑप्शन दिखेगा, देन आपको थर्ड नंबर पे जो मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको उस मोबाइल नंबर पे टैप करना है, बाकी और कहीं पे भी आपको टैप नहीं करना है। तो मोबाइल नंबर पे आप जब भी टैप करेंगे तो एक नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देन यहाँ पे आपको जो न्यू मोबाइल नंबर को आप अपडेट करना चाहते हैं पेटीएम में, सिंपली उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो पेटीएम मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद, सेव करने के बाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, इस पर आपको बस ध्यान देना है। अब यहाँ पे दो मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, फर्स्ट उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा जो अभी करंटली पेटीएम के समय अपडेट है, और सेकंड उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा जिसको आप पेटीएम में अपडेट करना चाहते हैं, जो कि न्यू मोबाइल नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस नंबर का ओटीपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो अभी मेरे पेटीएम से करंटली लिंक्ड है। लेट्स पेस्ट इट। अभी सेकंड में उस मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पे पेस्ट करूँगा जिसको मैं अभी करंटली पेटीएम में अपडेट करना चाहता हूँ, यानी कि न्यू मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी मुझे आ चुका है, और उस ओटीपी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सो लेट्स पेस्ट। सो नंबर यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको कंफर्म करना है, और ये इंस्टेंटली पेटीएम में अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी 24 आवर या 48 आवर से वेट नहीं करना है। सो गाइस, इस पेटीएम में आपको मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए कोई 24 to 48 आवर्स तक वेट करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी ईजीएस्ट वे है। इस ईजीएस्ट वे से आप इसको कोई भी मोबाइल नंबर को आप इजीली पेटीएम में अपडेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक तरह से ध्यान देना है कि वो दोनों भी मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, अगर आस पास नहीं है तो फिर आप इजीली ओटीपी को ट्रैक कैसे करेंगे, राइट। तो ये आपको बस ध्यान देना है। सो ये था गाइस, इस तरीके से आप इजीली पेटीएम में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। ये टिप्स आपको 2019 में भी वर्किंग था, इवन 2020 में भी आपको सेम प्रोसेस करना है, बट इसके लिए आपको पेटीएम को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करना होगा, ऐप को अपडेट करना होगा, देन इसके बाद ये काफ़ी आपके लिए ईजीएस्ट होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस सो दैट वुड बी वेरी अप्रिशिएशन फॉर मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।